देखिए मैडम, आज कहा गया है कि आज जो हमारे बिहार का कोई आवाज उठाएंगे मीडिया चैनल तो जेल जाएंगे। कहते हैं कि जिसका सरकार उसी का पत्रकार। तो दोस्तों नमस्कार, आखिरकार पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर खुशखबरी आ ही गई सामने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, जिस भी पार्टी का भारत के केंद्र सरकार में दबदबा होता है, वह पार्टी जो चाहेगी वही होता है, चाहे वह सच्चाई की जीत के लिए आगे आए या फिर किसी और चीज के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पत्रकार मनीष कश्यप को पिछले 2 महीनों से जेल में बंद रखा गया है। उन पर झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में अभी तक बंद रखा गया है। इसके पीछे बिहार सरकार यानी तेजस्वी यादव का संपूर्ण हाथ है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि मेरी गद्दी पर आ जाए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने वाले केवल एक ही पत्रकार मनीष कश्यप थे। आप लोग भी ये बात जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करने के लिए मार्केट में उतर चुकी है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बीजेपी पार्टी से पहले मुख्य कदावर नेता मनोज तिवारी उतरे हुए थे मनीष कश्यप के सपोर्ट के लिए, और बारी बारी से बीजेपी के सारे मंत्री और नेता उतर रहे हैं मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषण में मनीष कश्यप को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो बात ये थी कि उनका कहना था कि बिहार के ये जितने भी सरकारें हैं वो बिहार को और पीछे की तरफ ले जा रही है, बिहार की और भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रही है। लेकिन जो एक सच्चा पत्रकार था उसे फंसा कर जेल में डाल दिया गया है। लेकिन अब आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, पत्रकार मनीष कश्यप जल्द ही रिहा हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी ये बात जान चुके हैं कि चुनाव से पहले पत्रकार मनीष कश्यप जेल से रिहा हो जाएगा। दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव साफ साफ जान चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव होने से पहले पत्रकार मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल जाएगा और बीजेपी पार्टी उनको सीट भी देगी। और पत्रकार मनीष कश्यप के फैन फॉलोइंग और उनके चाहने वालों की बिहार में संख्या को देखते हुए तेजस्वी यादव काफी ज्यादा हैरान परेशान रह गए हैं। अब उनकी गद्दी आंखों तले जाते हुए दिख रही है। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। पत्रकार मनीष कश्यप मुख्यमंत्री के चुनाव में लड़ेंगे तो आप लोग वोट देंगे या फिर नहीं देंगे? क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बिहार के अगले मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बने? यदि हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी अपना मनीष कश्यप का समर्थन दिखा सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।